सबसे पहले आप रास्ते पे जा रहे हो, चाहे आपका कितना भी स्पीड हो, 30, 40, 50, और अचानक से स्पीड ब्रेकर आता है तो आपको स्पीड ब्रेकर क्रॉस करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपने अचानक से इमरजेंसी में बहुत जल्दी से ब्रेक दबा दिया, तो स्पीड ब्रेकर जाने से पहले आपका स्पीड ज़ीरो हो गया, फिर पीछे वाला कोई तो अगर आते रहेगा तो वो शायद से आप पे गुस्सा हो जाएगा। अगर अदर लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो मे भी हो सकता है कि वो आपको कुछ गाली दे दे। तो बेसिकली ये सिचुएशन नहीं हो, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि स्पीड ब्रेकर पे जाने के टाइम पे आप कैसे अपना गाड़ी यूज़ कर सकते हो, कैसे कंट्रोल यूज़ कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑसम लव एंड सपोर्ट। आपके प्यार के वजह से ही मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। 10,000 सब्सक्राइबर प्लस हो गए हैं मेरे, और जो मैंने एक बोला था कि जो मैं गिव अवे देने वाला हूँ उसके बारे में अगर मैं आपको बोल दूँ तो ये जो गिव अवे है वो मैं जल्दी ही दूंगा, शायद से 1 अप्रैल के बाद ही। तो विनर जो है उसको मैंने बहुत सारे रिकमेंडेशन और सबके साथ मैंने सब मतलब परख के रखा है और फिर मैंने अच्छे से चूज़ किया है। तो जो भी विनर होगा उसको प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बहुत सारे पैटर्न्स रखे हैं, बहुत सारा रखा है। अच्छा, अभी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल और हाउ टू क्रॉस ओवर द मोटरसाइकिल ऑन स्पीड ब्रेकर्स। तो बेसिकली जब आप स्पीड ब्रेकर पे जाते हो तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, कभी उनका बाइक पहले बंद हो जाता है या कभी ऐसा होता है। तो स्पीड ब्रेकर के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। उसके पहले मैं आपको कुछ एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी देना चाहता हूँ कि कल मुझे शायद से होंडा जो है डीलर है, मैंने उनसे बात किया था तो होंडा ने मुझे बोला था कि शायद से कल आपको नया हॉर्नेट 2018 के बारे में कुछ डिटेल्स मिल जाएँ। तो ये जिनको भी डिटेल्स होंडा नया होंडा हॉर्नेट के बारे में, और उसी के साथ में अगर मैं आपको बोलूँ तो होंडा हॉर्नेट, और इसके बाद अगर उन्होंने मुझे बोला है कि 10 दिन के आसपास रुकने के लिए होंडा का जो नया एक्स ब्लेड आया है उसके लिए, तो 10 दिन के बाद शायद से मैं आपको उसका भी एक रिव्यू दे दूंगा अच्छे से। और ABS वाला जो है उसका प्राइस, हॉर्नेट में ABS का जो प्राइस है वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो शायद से कल के वीडियो में मैं आपको ये सब बता दूँ, या फिर वो शायद से आपको परसों देखने मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, और अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि स्पीड ब्रेकर पर कैसे बाइक चलाते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको कंट्रोल्स बता देता हूँ, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम लोग बाइक चलाते हैं तो कंट्रोल्स में बता नहीं पाता हूँ या फिर नॉर्मली एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो, अब आप चाहे कोई भी स्पीड पे हो, 30, 40, 50, 80 कोई भी, सबसे पहले जब स्पीड ब्रेकर आपको दिखता है तो आपको अपना स्पीड स्लो करना है। तो स्पीड स्लो करने के लिए क्या चीज़ है, सबसे पहले तो आप क्लच प्रेस करो और एक्सेलरेशन छोड़ दो और ब्रेकिंग कर दो। ये दिख रहा है, ये यहाँ पे तीनों चीज़ें मैंने कर दिया। जैसे सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्लच प्रेस करो, एक्सेलरेशन छोड़ दो और ब्रेकिंग प्रेस करो। तो इससे क्या होगा, आपका बाइक का स्पीड स्लो हो जाएगा। दोस्तों जब आप स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर रहे हो तो एक जितना आपका स्पीड स्लो हो उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उतना आपका बाइक को बैलेंस मिलेगा। अगर ज़्यादा स्पीड में हो तो आपका बाइक जंप करेगा स्पीड ओवर के ऊपर से, फिर मे भी आपका बाइक कंट्रोल से बाहर हो जाए और आप गिर जाओ। तो यहाँ पे जो मैं आपको बोल रहा हूँ बेसिक ये है कि जब आप स्पीड ब्रेकर के पहले जाते हो तो आपको अपना स्पीड स्लो कर देना है। अभी इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको स्पीड ब्रेकर के ऊपर से बाइक चला के बताऊंगा। तो सबसे पहले तो स्पीड ब्रेकर जो था वो मेरे पीछे था, तो सबसे पहले मैं आगे जाके एक यू टर्न ले लूँगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हो डाउन हिल शॉर्ट ऑफ। अब सबसे पहले आपका कितना भी स्पीड हो आपको ब्रेकिंग प्रेस करना है, फिर उसके बाद आपको ईजिली निकल जाना है। डाउन हिल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर आप मैं एक्सेलरेशन नहीं भी करो तो दिख रहा है गाड़ी चलते जा रहा है, आपको कोई इश्यूज़ नहीं है। लेकिन जब अब सेम वही चीज़ में मैं अप हिल में आऊँगा तो तभी कैसे यूज़ करना, तो उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। दिख रहा है एक फुल क्लच, और उसी के साथ आप स्लोली स्लोली रोड से निकल सकते हो स्पीड ब्रेकर के।
वही मैं आपको बता दूं दोस्तों, रास्ते पे कुछ ऐसे स्पीड ब्रेकर होते हैं जो कभी आपको नज़र नहीं आते, जैसे कि ये। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्पीड स्लो कर दिया और इजीली मैं यहाँ से निकल गया। तो मैं आपको फिर से एक बार ये करके बताऊंगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे स्पीड में हूँ, अभी अचानक से स्पीड ब्रेकर आएगा तो मैंने यहाँ पे अपना स्पीड एकदम स्लो कर दिया, दिख रहा है, और फिर इजीली मैं स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकल गया। अगर आपका 10-12 किलोमीटर का स्पीड है कोई बात नहीं, आप इजीली निकल सकते हो। हिली एरिया में हो जैसे ये, तो आपको एक्सेलरेशन भी देना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट टायर जो है आपका स्पीड ब्रेकर के ऊपर से, उसको निकलने दो, फिर उसके बाद आप एक्सेलरेशन दे सकते हो, तो जिससे आपका गाड़ी तो इंजन जो है वो पुश करेगा और आप निकल जाओगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, सबसे पहले फुल क्लच और ईजिली निकल रहा है, दिख रहा है आपका गाड़ी बहुत स्लो हो गया। तो सबसे पहले आप स्लो गाड़ी में, स्लो में आप निकलने का प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद आप चाहिए तो फास्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इवन जब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है। मैं सबसे पहले तो यू टर्न ले लेता हूँ, आपको यू टर्न लेके एक और बार करके बताता हूँ। तो सबसे पहले आपकी गाड़ी का जो भी स्पीड है आप उसको स्लो कर लीजिए, फिर उसके बाद ईजिली आप स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकल सकते हो। आपको क्लच और ब्रेक यूज़ करना है आपका स्पीड कम करने के लिए, तो मैंने ऑलरेडी बताया। जैसे दोस्तों यहाँ पर अगर मैं स्पीड में हूँ तो मैं स्पीड स्लो करूँगा और फिर स्लोली मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो इस तरीके से आप स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर सकते हो। अगेन यहाँ पे एक और बार मैं करके बताता हूँ, सबसे पहले ब्रेकिंग स्पीड स्लो कर दो और फिर आप इजीली निकल सकते हो। और जब आपने स्पीड ब्रेकर पे, अगर मैं आपको बोलूँ तो जब आपने सबसे पहले स्पीड ब्रेकर पे जो आपका आगे फ्रंट व्हील है वो अगर एक स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकल जाता है, उसके बाद आप चाहिए तो थोड़ा सा एक्सेलरेशन देना है तो दे सकते हो जब तक, और मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं पर थोड़ा सा हल्का सा एक्सेलरेशन दे सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर सकते हो। सब जैसे मैंने बताया, एक बार फिर से रिपीट करके बता देता हूँ, सबसे पहले जैसे ही स्पीड ब्रेकर दिखा सबसे पहले क्लच प्रेस कर दो, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन छोड़ के ये जो ब्रेक है वो प्रेस करो, तो आपका गाड़ी स्लो हो जाएगा। हाँ, स्पीड ब्रेकर के ऊपर कभी भी ब्रेक मत करना और एकदम से ज़बरदस्त ब्रेकिंग भी मत कर देना। आप स्पीड ब्रेकर पे जाने से पहले आप एक स्पीड देख सकते हो, आपका जो स्पीड है वो 20-10 के बीच में रहेगा तो आप इजीली निकल जाओगे विदाउट एक्सेलरेशन। अगर आपका स्पीड 10 या उससे भी कम हो गया है तो आपको थोड़ा सा एक्सेलरेशन का ज़रूरत लगेगा। तो आप इस तरीके से स्पीड ब्रेकर को स्लोली और बहुत सही तरीके से क्रॉस कर सकते हो। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर योर ऑसम लव, और मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कल 27th है और कल सबसे जो बेटर गेम है, जो सबसे मेरा फेवरेट गेम है, वो रिलीज़ हो रहा है, जिसका नाम है Far Cry 5। अगर आप गेमिंग के वीडियोस पसंद कर सकते हो या गेम प्ले पसंद करते हो तो आप मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक मैं इस वीडियो के एंड में भी डाल रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ। तो कल जो है वो मैं आपको Far Cry 5 वहाँ पे जो है बेसिकली उसका इंट्रो जो है खेल के बताऊँगा और रिकॉर्ड करके वो जो है मैं वो अपने गेमिंग चैनल पर अपलोड करूँगा। प्लस अगर आपको और भी वीडियो गेम्स या उसके रिव्यूज़ पसंद है तो आप वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, और अपने गेमर्स फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।